सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाए परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कोरोना संकट काल से लेकर लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से नाराज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने घोड़ा गाड़ी भैंसा गाड़ी पर सवार होकर जुलूस निकाला और सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना बंदी से लोग पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। सरकार डीजल पेट्रोल के दामों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। सपा नेता नवाब सिंह यादव ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों में अंकुश लगाने के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार की गलत नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मामले में फेल साबित हो रही है। वहीं युवा नेता नाजिम ने कहा कि भारतीय इतिहास में पहली बार 70 सालों में डीजल पेट्रोल के दामों से बढ़कर मिलने लगा है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों की ज़्यादातर मार सबसे ज़्यादा गरीब किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को झेलनी पड़ेगी। सिंचाई जुताई सब महंगी हो रही है। जब से योगी मोदी सरकार आई है लगातार डीजल पेट्रोल बिजली और गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल में डीजल पेट्रोल के दाम 32 या 35 रुपए तक है। भारत की सरकार को भी डीजल पेट्रोल के दाम पड़ोसी मुल्कों के बराबर करनी चाहिए। बैलगाड़ी चलाकर सदर विधायक अनिल दोहरे, नवाब सिंह यादव, नाजिम खान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सचिव सहित कई किसान व कार्यकर्ताओं ने कन्नौज में बैलगाड़ी चलाकर जनसंपर्क कर विरोध प्रदर्शन किया। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। आप देखें कि दुनिया ने जब पेट्रोलियम पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत कम हुई, सारे देशों में डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में लगातार 15 दिन से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। पहली बार स्वतंत्रता के बाद डीजल और पेट्रोल के दाम बराबरी पे आए, नहीं बहुत बड़ा डीजल और पेट्रोल के बीच कीमतों में डिफरेंस रहता था। कोरोना से आदमी वैसे ही परेशान था, डीजल पेट्रोल ने और किसान मजदूरों की कमर तोड़ के रख दी है। आज समाजवादी पार्टी ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है क्योंकि धारा 144 लागू है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन अगर सरकार के द्वारा इसी तरीके से कीमतें बढ़ाई जाती रहीं और अत्याचार अन्याय होता रहा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सब ताक पे रख के सड़कों पे उतरकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।